Madame Michaud. उत्तर प्रदेश में इस समय जितनी सुर्खियां बुलडोजर बटोर रहा है उतनी ही सुर्खियां सीतापुर की तहसील लहरपुर को मिल रही हैं। कारण यह है कि लहरपुर में धड़ाधड़ अवैध ईंट भट्टों पर बुलडोजर गरज रहा है एसडीएम पीएल मौर्य का। आज फिर यहां के दो ईंट भट्टों पर बुलडोजर चला है। कौन है वो ईंट भट्टे और किस वजह से आज वहां बुलडोजर गरजा, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश सिंह। जी बताना चाहूंगा, लहरपुर तहसील में अवैध रूप से बिना एनओसी के चल रहे गगन ब्रिक फील्ड व अमर ब्रिक फील्ड पर उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य के निर्देशन पर तहसीलदार शशि बिंदु द्विवेदी ने बाबा का बुलडोजर चलाते हुए कार्रवाई की। जी, तो आज जैसा कि तस्वीरें आप देख सकते हैं वहां बुलडोजर लेकर पहुंचा पूरा प्रशासनिक और पुलिस अमला, और इन दोनों ईंट भट्टों पर बुलडोजर से जो ईंटें लगी हुई थी उनको नष्ट करने कार्रवाई की गई है। आकाश जी, ये बताइए कार्रवाई क्यों की गई? कार्रवाई सर इसलिए की गई है कि बिना एनओसी के ईंट भट्टे संचालित थे, जबकि प्रशासन द्वारा लगातार ईंट भट्टा संचालकों को चेतावनी दी जा रही थी कि बिना लाइसेंस के कोई भी अवैध रूप से भट्टा संचालित नहीं करेगा। उसके बावजूद प्रशासन की अपनी मनमानी करते हुए ये भट्टा संचालक ईंट भट्टा संचालित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आकाश जी, आपके वहाँ इससे पहले भी दो बार कार्रवाई हो चुकी है ईंट भट्टों पर, तो क्या वो ईंट भट्टे जो जिन पर कार्रवाई हुई है वो फिर से दोबारा चालू कर दिए गए हैं, या जो अवैध रूप से ईंट भट्टे चल रहे हैं वो एनओसी लेने की कवायद में जुट गए, क्या कुछ माहौल है? सर माहौल यहाँ पे ये है कि एक तरफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, दूसरी तरफ बेखौफ भट्टा संचालक फिर से अपने काम में लग जाते हैं। जिन पर एसडीएम ने कार्रवाई की थी वो भट्टे पुनः संचालित हो गए हैं। इस बारे में जब एसडीएम पीएल मौर्य से बात की तो उन्होंने बताया कि यदि ईंट भट्टे फिर से संचालित हैं तो उन पर पुनः कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, तो ये पूरा मामला है लहरपुर तहसील का। यहाँ पर बहुतायत ईंट भट्टों का संचालन होता है, उनमें से अधिकतर ईंट भट्टे ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके पास एनओसी नहीं है और वो अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं। उन अवैध ईंट भट्टों पर तहसील की कार्रवाई जारी है। हालांकि देखने में ये भी आया है कि जिन ईंट भट्टों पर कार्रवाई की प्रशासन ने, उसके एक दो दिन बाद वो ईंट भट्टे पुनः संचालित होने लगे। हालांकि तहसील प्रशासन का दावा है कि अगर ऐसा है तो दोबारा कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन जो सारे माहौल सामने आया है इससे एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर प्रशासन के ऊपर खड़ा हो गया है कि एक तरफ वो कार्रवाई करते हैं और दूसरी तरफ ईंट भट्टे फिर से संचालित होने लगते हैं, तो क्या कुछ प्रशासन का अगला कदम रहेगा ये देखने वाली बात होगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।